सीरियल अनुपमा में फाइनली अनुपमा की मेहनत रंग लाई है कि उसका बेटा पारितोष घर में आ गया है और वनराज के पैरों में पारितोष बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये सब कुछ किया है अनुपमा ने। अनुपमा यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोलती है। पारितोष जब अनुपमा और पारितोष को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता, दहलीज पार नहीं करने देता और कहता है आज के बाद तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चूंकि वनराज इस बात पर गुस्सा हुआ था कि उसने पारितोष से रिश्ते खत्म करने को कहे थे, लेकिन अनुपमा पारितोष को लेके आई। उसने कहा था कि किंजल के घर कोई नहीं जाएगा, मुझे उसकी माँ जैसी औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना है। अनुपमा वहां उनके घर गई थी पारितोष को लाने। वनराज को लगता है कि अनुपमा ने इस दहलीज को पार करके बहुत गलती की है, इसीलिए वो दोनों को अंदर नहीं लेता। लेकिन अनुपमा यहां बहुत बड़ी बात बोलती है कि आपका गुस्सा हर कोई देख लेता है, लेकिन आपके अंदर क्या दर्द छुपा है वो मैं देख पाती हूं। मैं आपका गुरूर वापस लाने गई थी, आपके दिल का टुकड़ा वापस लाने गई थी, आपका दिल जोड़ने के लिए बाहर गई थी, क्योंकि पारितोष वनराज के दिल का टुकड़ा है, वो उसे बहुत प्यार करता है। यहां पारितोष को भी अनुपमा कहती है कि तुमने जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन जब तक वनराज तुम्हारे पिता तुम्हें माफ नहीं कर देते तुम उनके पैरों पे वैसे ही बैठे रहोगे। पारितोष यहां हाथ जोड़कर बहुत माफी मांगता है वनराज से और गले लग जाता है, अपने पापा के सॉरी बोलता है। वनराज भी क्या करे, एक पिता है, वो माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। फाइनली वनराज ने पारितोष को माफ कर दिया है और अब अनुपमा की सबसे बड़ी जद्दोजहद है पारितोष और किंजल को एक करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वनराज किसी भी हाल में पारितोष की माँ के कोई भी टर्म और कंडीशन नहीं मानेगा। ये आप सभी जानते हैं कि वनराज ना ही किंजल की माँ की बात मानेगा और ना ही उसे किंजल की माँ पसंद है, और वहीं यहाँ पर दादी को भी किंजल की माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अनुपमा कैसे अपने बेटे का प्यार उसे वापस दिलाती है, कैसे दोनों फैमिली में थोड़ी चीज़ें ठीक करके किंजल और पारितोष की शादी करवाती है, क्या पारितोष की शादी हो भी पाती है, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।